ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंद सागर झील के किनारे 17 से 23 मार्च तक चलने वाला बिलासपुर का राज्य स्तरीय निलवाड़ी मेला इस बार स्थगित कर दिया गया है। कोरोना से संबंधित खतरे के मद्देनजर निलवाड़ी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वायरस का खतरा टलने पर अगला निर्णय लिया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बजट भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। गोविंद सागर झील के किनारे 17 से 28 मार्च तक चलने वाला बिलासपुर का राज्य स्तरीय निलवाड़ी मेला इस बार स्थगित कर दिया गया। कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर निलवाड़ी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। वायरस का खतरा टलने पर ही अगला निर्णय लिया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बचत भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई थी, जबकि 6 मार्च को सरकार ने भी निर्देश जारी किए। उसके बाद 12 मार्च को राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर प्रदेश भर में सभी मेले व कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं के साथ किसी भी भीड़ वाले बड़े इवेंट इत्यादि आयोजन पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को विशेष हिदायतें दी हैं कि ताकि कोरोना वायरस के संभावित खतरे से निपटा जा सके। 5 मार्च को फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसके बाद 6 मार्च को कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए थे और उसके बाद हमारा एंडेमिक रेगुलेशंस जो है वो भी नोटिफाई किए हैं 11 तारीख को और 12 तारीख को। जैसा भारत सरकार या WHO के जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसके अनुरूप एक नोटिफिकेशन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 मार्च को जारी किया है, जिसमें एडवाइजरी दी गई है कि जिसके मैस गैदरिंग्स इन व्यू ऑफ COVID-19 उसके विषय में, तो इसमें गवर्नमेंट लेवल पे ये कंसिडर किया गया और ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी मेले हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं या इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिसमें काफ़ी मैस गैदरिंग्स कॉन्ग्रीगेशन होता है और काफ़ी संख्या में जहां पर लोग उपस्थित होते हैं, उनको पोस्टपोन किया जाए जब तक कि COVID-19 से संबंधित स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। जहां पे कोई रिलीजियस इवेंट के साथ है तो वहां पे ये है, जैसे मान लो हमारे नवरात्रे हैं, श्रद्धालु आते हैं मंदिरों में, वहां पर एडिक्वेट एडवाइजरी जो है वो दी जाएगी, ठीक है, कि भी या तो बहुत कंपेलिंग रीजंस हैं विजिट करें, अदरवाइज कोई पोस्टपोन भी कर सकते हैं और वहां पर पूरे एहतियात जो है हमें बरतने हैं। तो इसमें जैसे हमारे मेले का तैयारी तो पूरी चल रही थी और काफ़ी इवेंट्स भी हमने प्लान किए थे और उसमें हमारे नगर परिषद भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, मीडिया ने भी काफ़ी जितनी हमारी जो पुख्ता इंतजाम कर रहे थे काफ़ी पब्लिसाइज किया, परंतु अब इन सब के दृष्टिगत ये सभी से विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया है कि इसको हम इसको पोस्टपोन करें, जैसे ही टिल फर्दर ऑर्डर्स जो भी दिशा निर्देश होंगे, स्थिति कंट्रोल में आएगी तो उसके बाद जो है कुछ समय का गैप देके तो हम इसको डेफर करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शंस भी हैं और जगह भी ऐसा ही हो रहा है हिमाचल में। और दूसरा, इसमें माननीय विधायक महोदय का भी मुझे संदेश आया था, इनफैक्ट आज उन्होंने आना था परंतु आज विधानसभा का सेशन लग रहा है, छुट्टी नहीं है क्योंकि बजट के ऊपर चर्चा चली हुई है, तो मुझे उनका भी मैसेज आया था माननीय विधायक महोदय का, तो वो भी मैं आप तक, क्योंकि इसमें थोड़ा ये भी चर्चा हो रही थी कल कि कुछ इसमें इस तरह से हो कि कुछ एक जो बहुत रस्म है इम्पॉर्टेंट कि वो कर लें, कि नहीं तो कल शाम को भी हम इसको कर सकते थे, परंतु वो भी काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया है, उस तरह का कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए आपका चेंज नहीं होगा, आप IPL के मैचेस देख रहे हैं या इंडिया साउथ अफ्रीका, वो भी पोस्टपोन हो गया है, कई जगह बहुत ज़रूरी हैं तो इंडोर स्टेडियम में विदाउट स्पेक्टेटर्स, तो जैसे चेंज हमारा नहीं हो सकता। सांस्कृतिक आपने देखा पौंटा में भी डेफर मतलब कैंसिल हुआ है, पर वो होली था इसलिए वो डेफर नहीं हो सकता था। सिमिलरली रामपुर में जो फाग का मेला है, फाग होली, तो वो भी डेफर नहीं हो सकता था, वहाँ भी उनको कैंसिल करना पड़ा। तो हमारे यहाँ अब जैसे ही टिल फर्दर ऑर्डर्स जब स्थिति इम्प्रूव होती है तो उस समय सभी को दोबारा से स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करके पुनः जो है निर्णय लिया जाएगा,